हेलो एवरीवन, मैं मास्टर हेमलता। ये हमारा लामा फेरा वीक चल रहा है। बहुत सारे क्वेश्चंस लामा फेरा को लेकर थे, तो यहाँ पर आज मैं दूसरी वीडियो लाई हूँ। और जो आपके क्वेश्चंस वीडियो को देखकर क्वेश्चंस आ रहे हैं, जैसे कि मैंने इससे पहले का एक वीडियो शेयर किया था कि एक से ज़्यादा लोगों के लिए आप हीलिंग कैसे कर सकते हैं लामा फेरा में, तो यहाँ पर जो है उसके भी कुछ क्वेश्चंस आए हैं। तो मैं 10 वीडियो लामा फेरा से कनेक्टेड आपको देने वाली हूँ, और अगर इससे ज़्यादा होगा तो वो भी देख लेंगे। और वैसे मैं 10 वीडियोस देने वाली हूँ, तो इन 10 वीडियोस के बाद जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे उन सब का आंसर मैं एक साथ दे दूँगी। इन वीडियोस में मैं सिंबल्स के नाम नहीं लेती, सिंबल्स शो नहीं करती आप लोगों को, क्योंकि वो हमें अलाउड नहीं है। ये वीडियोस उन लोगों को हेल्प करती हैं जिन्होंने लामा फेरा किया है, क्योंकि वो सिंबल्स के बारे में जानते हैं। तो आज का जो विषय है वो है कि एक से ज़्यादा जगह पे आपको हीलिंग करनी है, प्लेस क्लीनिंग करनी है, तो किस तरह से हीलिंग करेंगे आप। तो देखिए, अब इसके लिए हमें क्या करना है, आपका जो बुद्धा यंत्र है वो ले लीजिए। उसमें आप ची बॉल या चाय बॉल कई लोग बोलते हैं, वो बॉल बनाएं। आप रेकी से बॉल बनाते हैं, रेकी से बना सकते हैं, या फिर जो लामा फेरा के सिंबल हैं उनसे बनाएं, और उस बॉल को इस यंत्र के ऊपर रख दें। और अगर आपको बॉल बनानी नहीं आती तो इसकी भी मैंने वीडियो बनाई है, और ये फील करें कि ये जो बोधि माला है वो आप उस बॉल के अंदर रख रहे हैं। अब क्या करना है आपको, इस से अपने इसके अंदर जो सिंबल हैं वो बनाने हैं। कौन कौन से? फर्स्ट सिंबल, सेकंड सिंबल, ठीक है, फर्स्ट सिंबल, सेकंड सिंबल, फोर्थ सिंबल, थर्ड सिंबल, ठीक है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ओके। ये सिंबल ड्रॉ करने के बाद फिर आपको इसके अंदर, इस बॉल के अंदर वो एड्रेसेस डालने हैं। फील करना है यहाँ पर आपको वो एड्रेस को रिपीट करना है, जैसे कि आप किसी को दे रहे हैं वहाँ जाने के लिए, और फील करना है कि इसके अंदर जा रहा है बॉल में। इनको आप स्टेप में लिख भी सकते हैं, या फिर जो मेरी बुक आ रही है उसे भी ले सकते हैं, और इसके अंदर वो एड्रेस जा रहे हैं, ठीक है। अब इसके अंदर जब वो एड्रेस चले गए हैं तो उसके बाद आपको थर्ड सिंबल ड्रॉ करना है, ठीक है। थर्ड सिंबल ड्रॉ करने के बाद आपको क्या बोलना है कि इन एड्रेसेस पे, जैसे आपने 5 एड्रेस डाले हैं, तो क्या बोलना है कि पहले एड्रेस पे जाना है, और उस घर के सेंटर पे जाकर सेट होना है, और उसके बाद एज ए मैग्नेट सारी नेगेटिव एनर्जी कलेक्ट करनी है, अब वो वास्तु से रिलेटेड हो या कोई भी हो। उसके बाद आपको 6th सिंबल ड्रॉ करना है, ठीक है, 6th सिंबल डिस्टेंस सिंबल है, और उसके बाद आपको फिर अफर्मेशन देना है कि एक घर से नेगेटिव एनर्जी क्लीन करने के बाद बाहर आना है, और सारी नेगेटिव एनर्जी को जितनी भी कलेक्ट की थी उसको आपको एक अग्नि को विजुअलाइज कीजिए, उसके अंदर डाल देना है, ठीक है। फिर उस बॉल को दूसरे एड्रेस पे जाते हुए फील करना है, और यही प्रोसेस होते हुए देखना है, ठीक है। इस तरह से आपको ये करना है। उसके बाद एक बॉल ये हो गई, फिर एक बॉल और बनानी है, ठीक है, एक बॉल और बनानी है। आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो उसके बाद आपसे ये सारा काम जल्दी जल्दी हो जाएगा, तो कम समय में भी आप ज़्यादा घरों की कर पाएंगे। फिर एक बॉल और ड्रॉ करनी है, एक और बॉल बनानी है, फिर उस पर ये माला रखनी है, फिर इससे कौन सा सिंबल बनाने हैं, आप ध्यान से सुनिए। अब सिंबल बनाने हैं आपको फर्स्ट वाला सिंबल, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, फर्स्ट सिंबल, उसके बाद 6th सिंबल, सॉरी 6th नहीं, 7th सिंबल, 8th सिंबल। आप क्या कर सकते हैं, अपने पेपर पे सारे सिंबल्स, फर्स्ट सिंबल, सेकंड सिंबल, थर्ड सिंबल, इस तरह से लिख कर रख सकते हैं, ठीक है, उसके बाद नोट कर सकते हैं। उसके लिए वीडियो आपको बार बार देखनी पड़ेगी, ठीक है। तो पहले क्या करना है आपको, फर्स्ट सिंबल, ओके, फिर उसके बाद 7th सिंबल, उसके बाद 8th सिंबल, और उसके बाद आपको ड्रॉ करना है 10th सिंबल, ठीक है, ये सिंबल ड्रॉ करने हैं। उसके बाद फिर से 3rd सिंबल ड्रॉ करना है, और अफर्मेशन देना है कि अब जिस घर में पहली बॉल ने क्लीनिंग की है, सारी नेगेटिव एनर्जी को सॉक किया है, वहाँ जाकर अब
खुशबू फैलानी है, बुद्ध जी का नाम फैलाना है, बुद्ध जी की हीलिंग फैलानी है वहाँ पर, और जो भी आप अफर्मेशन यहाँ देना चाहें, फिर फील करना है आपको कि वहाँ पर ये जाएगी बॉल, और इस तरह से फील, मतलब आप जो विजुलाइज़ करेंगे वो बॉल करेगी, क्योंकि आप विजुलाइजेशन हमारा जो मैसेज देने का एक तरीका होता है कि सेंटर में जाके एकदम जैसे कि सारी पॉजिटिव एनर्जी फैलानी है, उस घर के लोगों में आपस में प्रेम बढ़े, उस घर के लोगों में शांति आए, उस घर के लोगों के सारे काम होने लगे, और जो भी आप अफर्मेशन देना चाहते हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर आपको सिक्स्थ सिंबल बनाना है। सिक्स्थ सिंबल जो होता है हमारा डिस्टेंस सिंबल होता है और ब्लेसिंग सिंबल भी होता है, ठीक है। सिक्स्थ सिंबल बनाना है और फिर इस बॉल को फिर से जाते हुए देखना है, पहले एड्रेस पे गए क्योंकि वहाँ अब क्लीनिंग हो चुकी है, तो अब हमें अग्नि में कुछ भी करना नहीं है। फर्स्ट बॉल में गए और पूरी एनर्जी उस घर में फैला दी, और पूरा उस घर के सब लोगों के काम होने लगे हैं, खुशमय माहौल हो गया है वहाँ पे, जैसे कि आप देखते हैं जब अच्छा माहौल होता है तो कैसा होता है। उसके बाद फिर फील करना है कि वो बॉल, अगर आपको लगे कि वो हल्की हो गई है, उसकी एनर्जी फिनिश हो गई है, तो आपको क्या करना है, उस बॉल को फिर बुद्धा जी के पास जाते हुए फील करें, क्योंकि यहाँ पर भी ये बुद्धा जी से जा रही है, तो पहली वाली बॉल में भी बुद्धा जी खुद विराजमान होके उसमें गए थे और इसमें भी, ठीक है। और फिर उसमें देखिए कि वो उनके चरणों में है और फिर से वो चार्ज हो रही है पूरी, फिर दूसरे घर में जा रही है। इस तरह से पूरा प्रोसेस करना है, ये आपका प्रोसेस रहेगा। एक से ज़्यादा एड्रेस डिस्टेंस में जब आपको हीलिंग करनी है तो कैसे करना है। आई होप मैंने अच्छे से समझाया होगा। मुझे आप प्लीज़ ज़रूर बताएं कमेंट में कि आपको ये मेरी चीज़ें लामा फेरा की समझ में आ रही हैं जो मैं समझाना चाह रही हूँ। थैंक यू एवरीवन। और जो भी आपके क्वेश्चंस हो वो आप मुझे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ कमेंट में डालेंगे तो उन क्वेश्चंस को मैं, जैसे पहली वाली वीडियो के क्वेश्चंस जो मुझे एक दो लोगों ने पर्सनल में पूछे, मैंने उन्हें नोट तो किया है, लेकिन फिर भी एक जब मैं उनकी वीडियो बनाऊंगी तो कमेंट से सारे क्वेश्चंस लूँगी, तो एक ही जगह से सारे, क्योंकि बहुत सारे कॉन्टैक्ट होते हैं, कौन सा कॉन्टैक्ट कहाँ गया पता नहीं चलता है, ठीक है। तो ये 10 वीडियोज़ रहेंगी आपके उसमें, और अभी मैं 3 तारीख को वैष्णो देवी जा रही हूँ, तो माता रानी के दर्शन करने जा रहे हैं, तो भी ये वीडियोस तो खैर मैं पहले से बना के रखूँगी, वीडियोस आपको पूरी मिलेंगी। हाँ, अगर आप माता रानी के दर्शन करना चाहते हैं तो मैं जो मेरा ग्रुप है उसमें मैं लिंक शेयर करूँगी, और इन वीडियोज़ के नीचे भी लिंक शेयर कर दूँगी। वहाँ पर भी मैं ऐसा सोचा है कि जब वैष्णो देवी जाएंगे तो जो भी मंदिर वगैरह वहाँ होंगे उनके दर्शन आपको भी कराना चाहूँगी, मेरी ऐसी इच्छा है। तो आगे देखिए माता रानी कैसा हमको वो देती है आशीर्वाद। थैंक यू।